तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन कि आप लोगों को iQOO 3 लेना चाहिए या फिर आप लोगों को Realme X1 Pro लेना चाहिए, देन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। हेलो सर, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले iQOO 3, जो कि आपको एक भाई गेमिंग बीस्ट फोन मिल जाता है, उसका मतलब हम कंपैरिजन या उसको एक ऐसे भिड़वाने वाले हैं उन लोग ऐसे Realme X7 Pro के साथ, एंड बताने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है। क्योंकि भाई जो Realme X7 Pro के अंदर भी आपको प्रोसेसर मिल रहा है, एक नंबर का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है, दोनों ही फोन के अंदर आपको काफी तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, गेमिंग के हिसाब से दोनों ही फोन काफी ओपी आपको मिल जाते हैं। बट स्टिल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन सा बढ़िया फोन रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, उसके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। तो वही शुरुआत करते हैं अपने iQOO 3 4G के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोगों को एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिल जाती है, इधर आपको 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, इधर आपको स्टैंडर्ड 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको पंच होल मिलते हैं, जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास के मिलते हैं, बैक साइड के अंदर आपको चार कैमरे मिल जाते हैं। तो वही बात करते हैं अपने Realme X7 Pro की, तो इधर भी आपको एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलती है, इधर आपको 6.55 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है सुपर एमोलेड पैनल के साथ, तो बहुत सही चीज इधर आपको मिल जाती है। बाकी इधर भी आपको पंच होल मिलता है, जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास के मिलते हैं, बैक साइड के अंदर आपको चार कैमरे मिल जाते हैं। तो वहीं चलते हैं कैमरे डिपार्टमेंट की तरफ, शुरुआत करते हैं अपने iQOO 3 के साथ। तो इधर आपको बैक साइड के अंदर चार कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो के लिए, जिधर आप लोग 20x जूम कर सकते हो। बाकी 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो, ये दोनों ही काम मतलब खुद ही कर लेता है 13 मेगापिक्सल का, तो इधर आपको 13 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट मिलता है, एंड उसी के साथ इधर आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है, एंड उसी के साथ इधर आपको 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसिंग भी मिल जाती है। बात करते सेल्फी की, तो आप लोगों को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वहीं बात करते अपने Realme X7 Pro की, तो इधर भी आपको बैक साइड के अंदर चार कैमरे मिल जाते हैं, 64 मेगापिक्सल जो आपको सोनी का IMX686 का सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, प्लस 2 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात की जाए सेल्फी की, तो आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो वहीं चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर, शुरुआत करते हैं अपने iQOO 3 के साथ। तो इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन की तरफ से एक बहुत ओपी प्रोसेसर मिल जाता है, इधर आपको स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है, एड्रिनो का 650 का आपको GPU मिलता है। गेमिंग वाइज ओपी प्रोसेसर है, कोई भी गेम वगैरह खेल लो मतलब मजा आने वाला है, मजा आया। तो वहीं चलते अपने Realme X7 Pro के प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ, तो इधर आप लोग को MediaTek की तरफ से एक फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है, आपको MediaTek Dimensity 1000 प्लस का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है, माली G77 का आपको GPU मिलता है, एंड मजे की चीज़ आपको ये वाला फोन 5G मिलता है। तो Realme के पास एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको एक 5G फोन मिल जाता है। तो वहीं चलते बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर, शुरुआत करते हैं iQOO के साथ। तो इधर आप लोग को 4400mAh की बैटरी मिलती है, फोन आपकी 55W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको इतना चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, एंड इधर आपको टाइप सी का बोर्ड भी जाता है। वही बात करते हैं Realme X7 Pro की, तो सर आप लोग को 4500mAh की बैटरी मिलती है, फोन आपकी 65W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको इतना ही चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, एंड इधर आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। वही बात करते हैं अपने iQOO 3 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो सर आपको अपनी प्यारी दुलारी चीज, आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, इधर आपको iQOO का खुद का UI मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे ही मिल जाती है, सारे सेंसर मिल जाते हैं, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, LPDDR5 आपको रैम टाइप मिल जाती है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, 180Hz का इधर आपको टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, इधर आपको कमाल की चीज ट्रिगर वगैरह भी मिल जाते हैं। वही बात करते अपने Realme X7 Pro के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर अपना 3.5mm का जैक को ऐसे भूल जाओ, खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका है। बाकी इधर आप लोगों को एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, रियलमी का खुद का UI मिल जाता है, इधर आपको मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट नहीं मिलता, सारी सेंसर भी मिल जाते हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स का मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे मिल जाती है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाता है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, HDR10 को ये डिस्प्ले का कंटेंट को ये डिस्प्ले सपोर्ट करती है, कंट्रोल, एंड उसी के साथ इधर आप लोगों को 240Hz का टच रिस्पॉन्स रेट भी मिल जाता है। वहीं बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस के, दोनों ही फोन के अंदर आपको 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 30,000 के प्राइस पे। तो बिना आप लोगों को स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस वगैरह तो पता चल गया होगा, बट स्टिल आप लोगों के माइंड में ऐसे कंफ्यूजन होगी कि दोनों में से कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या मतलब आप लोगों की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कौन सा बढ़िया फोन रहने वाला है। तो मैं आपको दोनों ही फोन के कुछ प्लस प्लस पॉइंट बताने वाला हूं, कौन सा फोन कहां पर बाजी मारता है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। वैसे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने फ्रेंड के शेयर करो, दोस्तों के मन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अब करते हैं इस वीडियो को फिर से स्टार्ट।
तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की, भाई डिस्प्ले एंड डिजाइन के अंदर कौन सा फोन बाजी मारता है। तो ज्यादातर केसेस के अंदर अपना रियलमी एक्स सेवन प्रो डिस्प्ले एंड डिजाइन में आगे निकलता है। डिजाइन की बात तो भाई आपके ऊपर आती है कि आपको डिजाइन किसका पसंद आ रहा है। बाकी रियलमी एक्स सेवन प्रो आपको एक लाइट वेट फोन मिलता है एंड आपको पतला फोन भी मिलता है अगर आप लोग उसको आईक्यू 3 से कंपेयर करते हो तो। एंड उसी के साथ इधर आप लोग को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, तो ये चीज कमाल की हो जाती है। 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट भी मिल जाता है एंड जो आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है वो भी थोड़ी सी आपको ज्यादा मिल जाती है, तो ये चीज काफी बढ़िया हो जाती है। बट हाँ, डिस्प्ले के अंदर कुछ जगह अपना आईक्यू 3 भी बाजी मारता है, जैसे कि इधर आप लोगों को HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है एंड इधर आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो वहीं बात करते हैं कैमरे की, तो अपना जो प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको Realme X7 Pro के अंदर अच्छा मिलता है। इधर आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का मिलता है एंड इधर आपको सेल्फी मिलता है वो भी ऑन पेपर आपको काफी सही मिल जाती है, 32 मेगापिक्सल की इधर आपको सेल्फी मिलती है। बट iQOO 3 के पास भी इधर एक प्लस पॉइंट आता है कि इधर आप लोगों को टेलीफोटो का सेंसर मिलता है, मतलब टेलीफोटो का कैमरा मिलता है जो आपको 20x जूम मतलब सही फोटो आ जाती है। सही चीज है, मतलब मेरे लिए टेलीफोटो ज्यादा काम की चीज होती है सीरियसली। एंड उसी के साथ इधर आप लोग को 13 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट भी मिलता है या अल्ट्रा वाइड कुछ भी बोल लो, मतलब दोनों काम कर ले तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा, तो ये चीज काफी सही है कि मतलब ऐसे नंबर के लिए 2-2 मेगापिक्सल का मैक्रो वैक्रो नहीं पकड़े, इधर आपको 13 मेगापिक्सल का जो सीरियसली काफी ज्यादा यूज में आता है। एंड वही बात करते हैं बैटरी की, बैटरी के अंदर कौन सा फोन आगे निकल जाता है, तो बैटरी के अंदर अपना रियलमी X7 Pro आगे निकलता है क्योंकि इधर आपको 100mAh की ज्यादा बैटरी मिल जाती है। बाकी इधर आप लोगों को 65W की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, तो ये चीज थोड़ी सी प्लस पॉइंट देती है Realme X7 Pro को। बाकी बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, कि भाई एक्स्ट्रा फीचर्स कौन से फोन के अंदर कैसे मिलते हैं। तो एक एक्स्ट्रा फीचर्स भाई जो आपको काफी ज्यादा प्यारा मिल जाता है Realme X7 Pro के साथ, कि आपको एक 5G फोन मिलता है एंड उसी के साथ इधर आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाते हैं। बट हाँ, iQOO 3 भी कोई ऐसा कम फोन नहीं, इधर भी आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, ट्रिगर्स वगैरह मिल जाता है, तो ये चीज काफी सही है। LPDDR5 आपको रैम टाइप मिल जाती है, ऑफिस 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 6 वगैरह की प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो ये चीज काफी सारी मतलब आपको iQOO 3 के साथ भी मिलती है। बट हाँ, Realme X1 Pro के पास एक 5G का काफी बड़ा मतलब एक हाथ होता है रोल वो है, क्योंकि काफी सारे लोग ना अभी के टाइम जो फोन लेने का सोच रहे हैं वो 5G को पॉइंट ऑफ व्यू करके सोचते हैं कि भाई एक फ्यूचर प्रूफ फोन ले लेते तो काफी ज्यादा बढ़िया रहता है। बाकी अगर प्रोसेसर डिपार्टमेंट की बात फोन रख दो पहले, तो बाकी प्रोसेसर डिपार्टमेंट की बात करते हो भाई, प्रोसेसर दोनों के अंदर ही आपको बहुत ही तगड़े मिल जाते हैं। बट Realme के साथ मैंने आपको बता दिया 5G का प्लस पॉइंट होता है, बट हाँ मेरे को दोनों में से कोई एक प्रोसेसर पिक करना, मैं इधर स्नैपड्रैगन को पिक करूंगा, स्नैपड्रैगन 865 को। वो थोड़ा सा आपको पावरफुल प्रोसेसर तो मिलता है, उसी के साथ आपको एक वेल ऑप्टिमाइज प्रोसेसर भी मिल जाता है। जैसा आपको बताओ जो भाई गेम वगैरह डेवलप की जाती है ना वो स्नैपड्रैगन को देख के ज़्यादा की जाती है अगर आप लोग उसको मीडियाटेक से कंपेयर करते हो तो। एंड मतलब थोड़ा सा रहता ही अपना स्नैपड्रैगन पे ज़्यादा दिल सा रहता है कि मतलब ट्रस्ट ज़्यादा रहता है, हीटिंग वगैरह के कोई इशू नहीं है, ऑप्टिमाइज वगैरह प्रोसेसर कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस वगैरह आपको मिलने, तो ये सारा सीन हो जाता है जिस वजह से स्नैपड्रैगन को थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है एंड थोड़ा सा मतलब बेटर है भी। सही पकड़े हैं। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको दोनों में से कौन सा फोन बढ़िया लगा है, आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए